व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हमजे एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं पावर ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। आगे लिखा हुआ है जय श्री राम, आगे लिखा हुआ है बागेश्वर धाम सरकार, फिर लिखा हुआ है जय बागेश्वर धाम सरकार, यानी काफ़ी लंबा टाइटल है। तो देखते हैं जनाब ये क्या सीन है। और क्योंकि हनुमान जी हैं तो जाहिर सी बात है रावण का जिक्र तो लाजमी होगा, क्योंकि उसी की सबसे ज़्यादा बैंड बजाई थी। तो आइए देखते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और नया नया कंटेंट कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो। बाकी कोई फीडबैक हो तो शेयर कर दिया करो। मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं और इकट्ठे बैठ के देखते हैं। 3, 2, 1 एंड। रावण का दिमाग खराब हो गया। रावण ने कहा बंदर को तो पकड़ना चाहिए। रावण ने दूसरी बार अजरामर सेना भेजी जो मरेगी ही नहीं। चार सेना भेजी थी। अब तो लो भैया खतरा है। राम जी बैठे, संगोष्ठी बैठी, इमरजेंसी मीटिंग बैठी। विभीषण जी बोले क्या हुआ? राम जी बोले सेना आ रही। विभीषण जी बोले अमर सेना आ रही, अजर और अमर। तो लक्ष्मण जी बोले दिक्कत क्या है? अरे बोले लड़ने से फायदा ही क्या है, मरना है ही नहीं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हमें आज्ञा। लक्ष्मण जी बोले अब तुम क्या करोगे? हनुमान जी बोले लड़ेंगे लड़ेंगे, देखो तो। अरे तुम्हें पता नहीं है अमर सेना है, अमर सेना, उनको मरना ही नहीं। हनुमान जी बोले तुम्हें भी पता नहीं है, अगर वो अमर है तो हम भी अमर हैं। बोले आपको कब अमरता का वरदान मिला? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले जब हम लंका गए थे तब माता जानकी जी ने हमें भी वरदान दिया था, अगर वो अमर है तो हम भी अमर है। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी के जान दो जो बढ़िया है, अमर अमर की लड़ाई। ये ठीक रहा, अमर अमर एक से जुड़ गए। हनुमान जी गए, हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने सूरज कहा लड़ो, हनुमान जी बोले क्यों लड़े, मरना है ही, अमर है मरना थोड़ी है, लड़ने से कोई फायदा थोड़ी है, पसीना और बहा। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और जितनी अमर सेना थी पूरी पूंछ में बांध ली रस्सा की भांत, गांठ लगाई जोर से। जितनी अमर सेना थी सब कपवे लगी। पत्रकार ने माइक लगाओ कि तुम कहे कांप रहे, वाइब्रेशन मोड में क्यों हो गए, काहे कांप रहे हो? अमर सेना बोली हमारा दिमाग खराब है। तो पत्रकारों ने पूछा तुम्हारा क्यों दिमाग खराब है? अमर सेना बोली अब क्या बताएं। पत्रकार बोले तुम्हें कौन मरना है जो डर रहे? अरे बोले ये तो पता है कि मरना नहीं है, लेकिन अब ये नहीं है पता कि जाना कहाँ है। ये तो पता है कि मरना नहीं, ये पता नहीं है कि जाना का, पर धन है वीर बजरंगबली। हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा और पूंछ को जोर से घुमाया और ऊपर छोड़ दिया इतनी जोर से, पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब अमर बने रहो, लटकते रहो, ऊपर नीचे आए ही नहीं। ये हमने सुना था वाक्य, पहले भी सुना था और एक अलग अंदाज में बागेश्वर सरकार से ही सुना था। तो उस टाइम इन्होंने बताया था, उस टाइम ज़रा शॉर्ट फॉर्म में बताया था, आज थोड़ी लेंथ की है, थोड़ी ज़्यादा लेंथ की है। और लास्ट टाइम ये था कि लास्ट टाइम में लेंथ इसलिए इस पर्टिकुलर पोर्शन की कम थी क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट प्रीटेक्स्ट भी बताया था, कॉन्टेक्स्ट भी बताया था और आगे का जो आप कह लें कि किस तरह से रामायण का एंड हुआ वो भी बताया था। तो वो क्योंकि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो था, उसमें फिर हर हर वाक्य को तो इतना डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि वो उन्होंने 3 मिनट में पूरा वाक्य समेट दिया था। यहाँ पे 3 मिनट में सिर्फ जो है ना एक पर्टिकुलर सेक्शन अमर सेना से जो जंग थी उसके बारे में बताया, तो यही होना था। मैंने कहा ना हम पहले भी सुन चुके हैं और हर दफ़ा सुनने के बाद एक नया ही एहसास होता है। जैसे वो बबम बम सॉन्ग है, वो यार कमाल का गाया, क्या एनर्जी है उस बंदे की। मैं 2-3 दिन से रिपीट पे है मेरे पास, तो सही है, मज़ेदार था वीडियो। और लास्ट टाइम जो शायद सुना था ना उसमें ये था कि वो सूरज में फेंक दिए थे सारे, अब की बार में स्पेस, तो एक ही बात है लटकते रहो, सही था, मज़ा आया। आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा। सी यू गाइस।